यही तो चलेगा। अरे रब नॉट दिखा जाते। अरे हाँ वॉकिंग ही लगा विजय पीछे सवाल है निकाल दो जाओ रुक जाओ दे। हाँ अंदर करेंगे ना, अंदर नहीं बाहर ही करो भाई। हाँ अंदर करते ना मैं। अरे अंदर क्या फटा। अरे हटो तो जल्दी जल्दी थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो आगे बोला थोड़ा सा आगे आओ ना थोड़ा सा और क्यों भूख लगी कि भूख 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 लग रही ना ब्रेकफास्ट नहीं वाला इंसान कैसे बर्दाश्त करे। हां है ना है ना हां देख ना देख 10 सैंडविच मंगा लो ना वड़ा पाव के यहाँ पेट खराब है यहाँ वड़ा पाव से। आइए आइए बस बस लो कितने उर्फी जी। मैं तो आज थोड़ी भूख में और थोड़ी बीमार हूँ नहीं तो ऐसे ठीक है। ये आइए उर्फी जी बैक टू फ्रंट दिग्विजय की इधर लग रहा है मेरे पर कुछ गिरेगा आज से। व्हाई डू आई फील मेरी किस्मत में कुछ ईटा पत्थर लिखा है। करा भाई नहीं नहीं गई क्या आरती बड़ा पाव लेने इतना बड़ा पाव खाओगे एक की दो मेरा हाल देखो यार। पता नहीं I wanted to wear a pant and a crop top but I wanted to give out a message also like because everything in the media that says like Hindu Muslim का इतना चल रहा है ना so I just wore a locket with the symbol of Allah and Om together. मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सबसे। मान लो हम सब इस्लाम अपना ले पूरी ह्यूमन काइंड इस्लाम अपना ले या हिंदुइज्म अपना ले या क्रिश्चियनिटी अपना ले इससे फ़ायदा क्या है इंसानियत को कोई फ़ायदा होगा ह्यूमन काइंड को क्या अगर हम सब हिंदू बन गए सब मुस्लिम बन गए सब क्रिश्चियन बन गए तो क्या उसके बाद हम क्या कुछ मतलब बनने के बाद क्या हम फ्लाइंग प्लेन इन्वेंट कर पाएंगे। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रिलीजन आई वांट टू नोट ह्यूमन काइंड नन एट ऑल बेनिफिट। आई डोंट नो व्हाई आर वी गोइंग बैकवर्ड्स वी शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टेक्नोलॉजी साइंस एजुकेशन अदर थिंग्स बट वी जस्ट स्टक इन रिवर्स मैन। What do you think about the politician जिस तरह से वो भाषण देते हैं और हिंदू ये हिंदुइज्म फैलाते हैं फिर मुस्लिम लोग उस तरीके से वो नॉट जस्ट हिंदू मुस्लिम लीडर्स ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ शिट दे स्पीक शिट लाइक इस्लाम को बढ़ावा दो। सो माई प्रॉब्लम इज नॉट विद रिलीजन माई प्रॉब्लम इज विद एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का इट्स नॉट गुड फॉर यू। रिलीजन्स वॉज सपोज टू बी दे वॉज सपोज फॉर द मतलब वो मैनकाइंड की यू नो बेनिफिट के लिए बने थे बट अगर आप वही चीज़ आपको मार रही है तो क्या फ़ायदा है ये बताओ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कास्ट सिस्टम। यार क्या हुआ ना इंसान कभी दूसरे से अग्री कर ही नहीं सकता है ये तो तुम हिस्ट्री उठा के देख लो। अग्री नहीं हुए तभी रिलीजन आए अब रिलीजन में भी अग्री नहीं हुए तो कास्ट बन गया। अब ऐसा नहीं कि जो कास्ट वाले हैं आपस में एक कास्ट के वो भी साथ रह रहे हैं ऐसा नहीं है। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग दैट डिफरेंशिएट्स अ मैन फ्रॉम अनदर मैन।
आई डोंट बिलीव इन पेट्रियार्की, आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई डोंट पता नहीं यार, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बुलशिट. तो क्या आपको लगता है ये कहाँ पे हम लोग लैक कर पा रहे हैं, लैक हो रहा है ये इंडिया में, क्या कुछ लगता है? इंडिया ही नहीं, आई थिंक इट्स वर्ल्ड वाइड. अगर आप अमेरिका को उठा के देख लो तो हाल ही में वाइट सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा आ गई थी, एज इन कि यू नो वाइट्स आर बेटर देन द ब्लैक्स और द मेक्सिकन्स और वट एवर. सो इट्स जस्ट यू नो पीपल लाइक मोस्ट ऑफ अस वी आर फॉलोअर्स. Not everyone can be a leader and we need a thought process to follow. So politicians are feeding us that for their own benefit and we are just taking that in. So सबसे ज़्यादा fault किसकी लगती है या फिर क्या कुछ और बताना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा fault मुझे लगती है education system की, which is not right. I feel like people should be more educated. Also schools में भी बहुत ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए. So I feel it's the lack of education, that's the fault. मैंने अपने व्यूज काफ़ी ओपन रखे हैं दैट आई सपोर्ट दैट अ वुमेन शुड बी एबल टू वेयर वट एवर शी वॉन्ट्स एंड इट्स नॉट इवन अबाउट हिजाब. यू कैन नॉट डिनाई हर एजुकेशन, डोंट डिनाई अ वुमेन एजुकेशन बिकॉज वॉजंट दैट आर मेन मोटो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. आप बेटी को कैसे पढ़ने से रोक सकते हो? ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड बुरका जो पूरा कवर होता है उससे अगर प्रॉब्लम हो रही है दैट आई अंडरस्टैंड कि आप वो हटा दो, बट इफ शी जस्ट वांट्स टू कवर हर हेयर मे बी दैट्स फाइन. आई फील इफ आई कैन वेयर व्हाट आर द फक आई वांट देन दे शुड आल्सो बी अलाउड टू वेयर व्हाट आर द फक दे वांट. थैंक यू. आप खा लो, आप खा लो, खा लो, खा लिए.